हैदराबाद मुक्ति दिवस या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर तेलंगाना एकीकरण दिवस। लड़ाई सिर्फ इस नाम की नहीं है, इन नामों के पीछे छिपे अपने अपने राजनीतिक एजेंडे की है। जिस दल को सूट कर रहा है वो उसे सेलिब्रेट कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए, जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मपूसा और गैर मपूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना एक आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था।